हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग मार्केट तरफ आए हुए हैं, कुछ सामान चाहिए था। तो अभी तो काफ़ी चहल पहल है, दुकानें वगैरह खुली हैं, लेकिन 9 बजे के बाद जो है ये इलाका बिल्कुल बिल्कुल शांत हो जाता है। दुकान वगैरह बंद हो जाते हैं, आने जाने वाले भी कम हो जाते हैं। और हमें कुछ स्नैक्स वगैरह चाहिए था, घर पर ख़त्म हो गया था, तो हम लोग स्पेशली स्नैक्स लेने के लिए आए हैं। और यहाँ पर जो है आपको सारे साउथ इंडियन आइटम देखने को मिलेंगे, केला पकौड़ा और मेदू बड़ा, आलू बड़ा, मीठा वाला बड़ा, यही सब मिलता है। समोसे, कचौरी, जलेबी, ये सब यहाँ पे नहीं मिलता। और ये मिठाइयाँ हैं थोड़ी बहुत, ये भी लिमिटेड हैं, कभी कभी मिलते हैं, कभी तो मिलते भी नहीं हैं। और ये कुछ जेली जैसा है, ये अलग अलग फ्रूट फ्लेवर का बना होता है। और ये जो यहाँ पे ब्रेड है, ये 3 रखा हुआ है, हमारे घर पे इसको मक्खन बोलते हैं और बहुत सारे लोग वमिट भी बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके बताना, क्योंकि ये बहुत ही कम देखने को मिलता है मुझे, तो इसलिए मैं पूछ रही आपसे। और ये रहा ये मैंगो फ्लेवर, कीवी फ्लेवर, और ये भी कोई फ्रूट का चॉकलेट फ्लेवर है आई थिंक, ये स्ट्रॉबेरी। और यहाँ पे कुछ जो है ये साउथ इंडियन स्नैक्स ही हैं, सारे चिप्स आइटम हैं। ये लोग यहाँ पे जो है बना करके एक्सपोर्ट करते हैं, इसलिए इस तरह से पैक कर करके रखे हुए हैं। और स्पेशली हमारे घर पे ख़त्म हो गया था बनाना चिप्स, तो मैं बनाना चिप्स ही लेने के लिए आई थी। यहाँ पे जो है सामने 4 चिप्स रखे हुए हैं, एक टैपियोका बनाना कटहल, और एक जो है वो बेसन की करी है। और यहाँ पे कुछ मिठाइयाँ रखी हुई हैं, ये जो लड्डू है, ये लड्डू बहुत ही हार्ड होते हैं, हम लोग एक बार लेकर आए थे, तब से हम लोग दोबारा नहीं लेकर आके आते हैं, बहुत हार्ड। और ये काजू कतली जैसा दिख तो रहा है, पर इसका टेस्ट काजू कतली जैसा बिल्कुल नहीं रहता, बहुत ही अलग रहता है। और ये जो है यहाँ पे ये लोग पैक कर करके रखते हैं, लेकिन जब दुकान में ख़रीदने के लिए जाओ तो वो इसमें से नहीं देते हैं, वो लोग तुरंत से सामने तौल करके देते हैं। और ज़्यादातर हम लोग इवनिंग टाइम पे ही जाते हैं स्नैक्स ख़रीदने, क्योंकि इवनिंग टाइम पे जाते हैं तो वो लोग तुरंत जो फ्राई किए रहते हैं दिन में, दोपहर में वही देते हैं हम लोग को फ्रेश। और ये यहाँ पे जो है इनका बड़ा सा कड़ाही, और ये गैस वगैरह रखा हुआ है, यहीं पर अपना फ्राई करते रहते हैं वो लोग। और ये देखिए यहाँ पे जो है चारों चिप्स रखे हुए हैं, ये जो आलू के चिप्स जैसा दिख रहा है, ये टैपियोका मतलब के कप्पा का चिप्स है। अभी जो है हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और अब जा रहे हैं सब्जी वाले कॉर्नर पे, तो यहाँ पे भी रोड क्रॉस कर रहे हैं। रोड क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ट्रैफिक रहता है इस वाले रोड पे। ये त्याहा भी है यहाँ पे, और अभी हम लोग चल रहे हैं सब्जी वाले दुकान में, तो दूर से तो अच्छा ही दिख रहा है सब्जियाँ जो है। हर दुकान में आप चाहे मेडिकल स्टोर पे जाओ या कहीं किसी भी दुकान में जाओ, ऐसे ही केले बाहर खूब सारे लगे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो केला बहुत ज़्यादा होता है, आपको भी पता है। और यहाँ पे ये टमाटर वगैरह रखा हुआ है, नींबू, खीरा बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, और भी बहुत सारी सब्जियाँ हैं, और करेला बहुत ही अच्छा दिख रहा है। जिसको पसंद है करेला प्लीज़ कमेंट करके बताना। और यहाँ पे जो है सामने एलोवेरा को लगा रखा है इन लोगों ने, ये बेचने के लिए है, जड़ से पूरा उखाड़ के रखा है, गमले में लगाने के लिए है शायद। और यहाँ पे आलू और प्याज, प्याज जो है मैं बाहर से ले आई थी, बाहर 51 रुपये के जी था, तो मुझे लगा सस्ता है, मैं वहाँ से ले आई, और जब यहाँ आई तो यहाँ 30 रुपये के जी था, बहुत पछतावा हुआ मुझे, लेकिन क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है अब मैं आलू वगैरह छांट रही हूँ, आलू मैं यहीं से लेना चाहती थी, बाहर नहीं था अच्छा, तो मैं यहीं से लिया आलू। और ये यहाँ पे कुछ राइस वगैरह रखे हुए हैं अलग अलग प्रकार के। यहाँ पे जो सबसे सस्ता राइस है वो है 39 रुपये के जी, फिर वहाँ से स्टार्ट होता है तो 300, 400, 500, बहुत महंगे महंगे राइस, हाई क्वालिटी के। और ये गाजर वगैरह रखा हुआ है, अभी जो है भिंडी वगैरह ले लेती हूँ मैं, क्योंकि मैं जब भी मार्केट आती हूँ तो कुछ लूँ या ना लूँ भिंडी मैं ज़रूर लेती हूँ। और ये रहा बरबटी, बरबटी को यहाँ पे अचिंका बोलते हैं, मतलब सभी सब्जियों के यहाँ पे अलग अलग नाम हैं, और मुझे तो अब सबके नाम भी याद हो गए हैं, क्योंकि अब मैं लेते रहती हूँ हमेशा। नींबू उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन मेरी आदत है, मैं रोज़ सुबह उठ करके नींबू पानी पीती हूँ, इसलिए मैंने नींबू भी ले लिया। और यहाँ पर जो है फूल गोभी तो अच्छा नहीं है। और ये राइस रखा हुआ है यहाँ पे रेड वाला, ये जो साउथ इंडियन लोग हैं वो लोग यही वाला राइस खाते हैं, जो हम लोग नॉर्मल वाइट वाला राइस खाते हैं उसको वो लोग बहुत कम खाते हैं, वो लोग शायद खीर या पुलाव में ही इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो डेली यूज़ में ये लाल वाला राइस ही खाते हैं। ये अंडा वाला कॉर्नर है, ये वाइट वाला तो मुर्गी का है, रेड वाला नहीं पता। और ये रहा प्रॉन्स, झींगा, और ये जो ऑरेंज कलर का है ये भी झींगा को मसाले में लपेट करके रखा गया है। और जो ये पैकेट में है ये सारी मछलियाँ हैं, मछलियाँ को जो है चीरा लगा लगा करके और सुखा देते हैं, और फिर उसके बाद इसको इस तरह से पैकेट में डाल करके मतलब शॉप तक पहुँचा देते हैं,
ताकि हम लोग खा सकें, पर मैं तो नहीं खाती। और ये भी जितने भी यहाँ पे हैं सारे सी फूड आइटम हैं, जो भी झींगा मछली का प्रजाति है सब यहाँ पे पड़े हैं। और अभी जो है यहाँ पे मेरा धूप बत्ती ख़त्म हो गया था, तो मैं यहाँ से धूप बत्ती लेने के लिए आई थी। और अभी कुकिंग ऑयल भी लेना है, कुकिंग ऑयल जो है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है मेरे घर पे। तो ये था मेरा आज का वीडियो। यदि आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, आगे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।